हेलो दोस्तों, क्रिकोमेनिया में आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे बल्लेबाज के बारे में जिसने गुस्से में खेली ऐसी पारी कि बन गया विश्व रिकॉर्ड और 12 साल से अभी तक ये रिकॉर्ड नहीं टूटा है। दोस्तों आपका दिल से स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा खेल है, इसमें कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कई बार तो 50 ओवर के मैच में मात्र एक गेंद पर ही मैच का पासा पलट जाता है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विश्व क्रिकेट के एक ऐसे बल्लेबाज के बारे में जिसने गुस्से में आकर ऐसी पारी खेली कि उसकी पारी के बाद एक नया विश्व रिकॉर्ड बन गया। आइए दोस्तों जानते हैं कौन सी थी ये विस्फोटक पारी। दोस्तों बात है 2007 के T20 वर्ल्ड कप की। ये मैच भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा था। इस मैच में भारत के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की ओर से वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। उन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 133 रन जोड़ दिए। भारत का स्कोर 18वां ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 172 रन था। इस समय भारत की ओर से बल्लेबाजी कर रहे थे युवराज सिंह और उनका साथ दे रहे थे MS धोनी यानी कि माही। इसी बीच इंग्लैंड के ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ के साथ युवराज की कुछ कहासुनी हो गई। इस आपसी कहासुनी के बाद युवराज ने बेहद गुस्से में आकर 19वें ओवर में युवराज सिंह ने लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोक दिए। इस तरह युवराज ने इतिहास रच दिया। मैच समाप्त होने पर युवराज ने कहा कि अगर मेरी एंड्रयू फ्लिंटॉफ के साथ कहासुनी नहीं हुई होती तो शायद मैं ये रिकॉर्ड नहीं बना पाता। दोस्तों आपको क्या लगता है कि कोई बल्लेबाज युवराज सिंह के इस रिकॉर्ड की बराबरी कर सकता है? प्लीज कमेंट करके अपनी राय बताइए और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए अभी क्रिकोमेनिया को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही मजेदार इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक गुड बाय दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।